Hey everyone, welcome to Shroom's IAS. मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड हेयर हम विद चैप क्लास एट. सो हम क्लास एट में आ चुके हैं. सो जो हमारी क्लास एट का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, डैट इज़ इंट्रोडक्शन, हाउ व्हेन एंड वेयर. सो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेस से हम शुरू करने वाले हैं बेसिकली हिस्ट्री. ठीक है, तो हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. तो काफ़ी लोगों को, बच्चों को ये डर होता है हिस्ट्री में कि हिस्ट्री बोरिंग है क्योंकि उसमें सिर्फ डेट्स हैं और हमें हिस्ट्री में क्या करना होता है, सिर्फ डेट्स याद करनी होती है, राइट. बट नो, इट्स नॉट ट्रू. बिकॉज पहले आप मुझे ये बताओ, डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर बर्थ डेट. सपोज आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल. सपोज यू आर बोर्न ऑन लाइक 8th of July और समथिंग समथिंग लाइक 2016, जस्ट एन एग्जाम्पल. सो अगर आपका बर्थ डे 8th जुलाई 2016 को है, तो इट मीन्स कि अब जब आप बर्थडे मनाओगे, लाइक अगर आप इस साल अपना आपने अपना बर्थडे बनाया 8th जुलाई को, तो इसका मतलब है आपको पता था कि यू वर बोर्न ऑन 8th of July, राइट. अगर आपको पता ही नहीं होता कि आपका बर्थडे कब हुआ है, मतलब आपने बर्थ कब लिया है, तो आप बर्थडे कैसे मनाते. ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल. तो डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट. सो हिस्ट्री में भी सर्टेनली हम वो सारी चीज़ें नोट करते हैं जो चेंज होती हैं. ठीक है, देखो टाइम के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है. जैसे आई गिवन यू एग्जांपल दैट यू वर बोर्न ऑन 2016. आप 2016 में बोर्न हुए और अभी चल रहा है 2023. ठीक है, तो इस टाइम स्पैन में आपके बीच में आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में कुछ तो चेंज आया होगा, राइट. तो वो चेंज इसीलिए बिकॉज इतना टाइम गुजर गया आपके बर्न होने से अभी तक के लिए, राइट. That is why dates are important. तो अगर हमें past और present को compare करना है, ठीक है, तो हम before और after के बारे में ही बात करते हैं, right? तो इसीलिए हमें एक particular date तो पता होनी चाहिए, right? कि हम किस चीज़ से कौन से time से खुद को compare कर रहे हैं. ठीक है, देखो अगर हम बात करें ऐसे नॉर्मली, तो आपने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स से पूछा होगा किसी भी चीज़ को लेके. सपोज़ आपके पापा चाय पीते हैं, तो आपके दिमाग में शायद ये सवाल आया होगा कि कितना टाइम हो गया हम लोग की लोग चाय पीते हैं. मतलब जब हम शुरू से जो अर्ली मैंस थे वो तो चाय नहीं पिया करते थे, राइट. अगर आप देखते हो, आप कार में ट्रेवल करते हो, आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो, मोबाइल फ़ोन कब बना, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कैसे बना, ये सब कुछ जानने के लिए डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट. आपको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी चीज़ें पता करनी है तो आपको डेट तो पता होनी चाहिए, राइट. सो है, अगर आपने देखा होगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके फादर हैं, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आपको पता, तो आपके सवाल में ये तो आया होगा ना कि जब तक न्यूज़पेपर नहीं हुआ करते थे, तब लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती थी, है ना. ये सब कुछ कब, ये सब कुछ पास्ट के लिए ही है. तो पास्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी जाना है, तो डेट्स आर नेसेसरी. ठीक है, तो देखो कभी कभी ऐसा होता ना कि हमें कुछ चीज़ों का ना फिक्स्ड टाइम नहीं होती, एक फिक्स्ड डेट नहीं होती है, एक पर्टिकुलर ईयर या मंथ हो सकता है. जैसे कि मैं आपको बोलूं कि एक रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, तो अब आप या फिर लोग किसी चीज़ के खिलाफ जाना शुरू करें, तो ऐसा तो नहीं था ना कि पहले दिन में ये हो गया. ठीक है, अगर जो कुछ भी हुआ तो पहले एक आदमी खड़ा हुआ होगा, फिर काफ़ी लोगों ने उसकी बातें सुनी होंगी, काफ़ी लोगों ने भी ऑब्जर्व करा होगा, फिर वो लोगों ने मिलके कुछ करा होगा. ठीक है, तो सिमिलरली कभी इन चीज़ों के लिए एक फिक्स डेट नहीं होती. अगर हम ब्रिटिश रूल के बारे में बात करें, तो ऐसा तो नहीं था कि एक दिन ब्रिटिश आ गए सारे और बोला कि ठीक है आज से ये हमारा. कुछ टाइम लगता है ना इसके लिए, एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है. उन्होंने हमारी पूरी इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में चेंज करा, बहुत सारे मूवमेंट लाए, तो एक बड़ा सा टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा ये बोलने के लिए कि हम ब्रिटिश रूल के अंडर है, राइट. सो यस, तो आगे ये है कि व्हाई देन वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स. जब हमें पता है कि हर चीज़ का एक पर्टिकुलर डेट नहीं हो सकता, मतलब सब चीज़ का नहीं हो सकता, तो हमने क्यों हिस्ट्री को डेट से कनेक्ट करा. इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि देखो हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि हम डेट से एसोसिएट कर सकते, जैसे कि बैटल्स और बहुत ही बड़ी बड़ी इवेंट्स, जैसे कि कब एक रूलर और उनकी पॉलिसीज, ठीक है, कब एक किंग अपने अपने सिंहासन में बैठा, कभी कब एक किंग को मतलब पूरा अपना किंगडम मिला, ये सब कुछ
एक पर्टिकुलर डेट में हो सकता है ना कि हमें पता थी कि हाँ वो वॉर तब हुई थी, कि एक किंग किंग तब बना था, राइट? तो इसीलिए कुछ कुछ चीज़ों के लिए स्पेसिफिक डेट्स होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए हिस्ट्री में ऐसी डेट्स होती है, और कई कई बार इन डेट्स के ऊपर डिबेट करना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? सो ये जो हमारी हिस्ट्री है, हमने अभी जो हमारे 6th और 7th की थी वो हिस्ट्री थी, राइट? सो ये है मॉडर्न हिस्ट्री, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं तो यहाँ पे हम पता करने वाले हैं कि कैसे लोग लिवलीहुड अर्न किया करते थे, क्या खाते थे, क्या बनाते थे, कौन सी सिटी में रहते थे, कौन से मार्केट पर आए, क्या क्या किंगडम बने, क्या क्या आइडिया स्प्रेड हुए, ये सब कुछ हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अब आता है विच डेट, हमें कौन सी डेट्स को, मतलब कौन सी डेट्स पढ़नी चाहिए। अब हर डेट पढ़ना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, राइट? कुछ कुछ ऐसी सिलेक्टेड डेट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ताकि हम अपने पास्ट की स्टोरी को डिस्कस कर सकें, ठीक है? तो कुछ 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 डेट्स होती है जिनको हमें पढ़ना चाहिए और सभी को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल लें कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, ठीक है? तो उन्होंने जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, मतलब हर एक गवर्नर जनरल का रोल जो था वो इम्पोर्टेंट था, बट अब हम हर एक का बर्थ डेट तो नहीं याद कर सकते, ठीक है? तो जो हिस्ट्री है वो बिगिन होती है कि कब फर्स्ट जो हमारा गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है? और जो लास्ट थे वो थे लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन। सो वाइसरॉय, जो वाइसरॉय है वो भी गवर्नर जनरल ही होते हैं, गवर्नर जनरल को बाद में वाइसरॉय बोला जाता था, ठीक है? तो अब हम देखिए तो इतने सारे गवर्नर जनरल हैं हमारे पास, जैसे हेस्टिंग, वेलसी, बेंटिक, डलहौसी, कैनिंग, लॉरेन, लेटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इटविन, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है? तो अब हम हर एक के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, हम इम्पोर्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, क्या क्या पॉलिसीज़ करी और क्या क्या बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करी, इन सारी चीज़ों को याद करने के लिए जो है हम पर्टिकुलर डेट्स रखते हैं ब्रिटिश में, ठीक है? जैसे इट वॉज एज इफ वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ डैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, ठीक है? मतलब सब कुछ नहीं था ना उनकी ज़िंदगी का जो हमें इम्पॉर्टेंट होगा हमें जानने के लिए, कुछ एक ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ एक जो हमें जाननी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है? इसीलिए उन एक दो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए डेट्स हमें याद करनी पड़ती है, ठीक है? क्या हम हिस्ट्री का जो पीरियड है उसे किसी और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? क्या हम कैसे फोकस करें उन एक्टिविटीज़ पे जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस किया करते थे उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी के, ठीक है? और मतलब अलग अलग गवर्नर जनरल का क्या क्या फॉर्मेट था, ये सब कुछ हमें अगर लिखना है, हमें जानना है, तो हमें डेट्स तो चाहिए ही पड़ेगी, राइट? तो जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या हम स्टोरी लिखते हैं तो हम इसको चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं, राइट? कोई भी अगर आप स्टोरी लिखते हो तो यू डिवाइड इट द चैप्टर, ठीक है? तो हर एक चैप्टर का एक कोहेरेंस होता है, ठीक है? एक चैप्टर में आपने ये पढ़ा, जैसे आज के टाइम पे आप देखो, आप कोई भी वेब सीरीज देख रहे हो या कोई भी मूवी भी देखते हो, तो मूवी के भी 3-4 पार्ट्स आते हैं, मूवी इज अ स्टोरी, राइट? तो 3-4 या 1-2 पार्ट्स होते हैं, सो एक में एक थोड़ा सा फेज होता है स्टोरी का, दूसरे में बाकी बचा हुआ फेज होता है, राइट? वैसे ही ये भी है। तो जब आप ऐसे बनाते हो तो आप उन इवेंट्स को फोकस करते हो, ठीक है? अगर आप पार्ट्स में स्टोरी बता रहे हो तो दैट इज, तो आपका मेन मोटिव ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उन पे आप फोकस कर सको, ठीक है? वैसे ही हमारी हिस्ट्री जो है वो गवर्नर जनरल की, जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी, ब्रिटिशर्स ने जो भी हिस्ट्री लिखी थी वो उन्हीं के गवर्नर जनरल्स के आसपास ही भटक रही थी, उसमें हम लोगों का इतना कुछ ज़्यादा उन्होंने बताया नहीं था, ठीक है? तो क्लियरली हमें एक अलग फॉर्मेट चाहिए था अपनी हिस्ट्री के लिए, ठीक है? अब तो अगर अगर हम अलग हिस्ट्री बना रहे हैं तो जो पुरानी डेट्स है उनकी डेट्स वो ज़्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, राइट? हमें हमारे लिए जो मतलब नई अलग डेट्स आएंगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी जानने के लिए, राइट? उनका सब कुछ नहीं जानना, हमें अपने लिए जानना है। तो अब हम पीरियडाइज कैसे करते हैं? अगर हम देखें 1817 में जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बुक लिखी, ब्रिटिश इंडिया, और सॉरी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इन्होंने वो बुक लिखी, उस बुक के 3 वॉल्यूम्स बनाई, मतलब 3 पार्ट्स में उसको बनाया, ठीक है? और उन्होंने डिवाइड करा किस फेस पे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। सो
वो जो क्लासिफिकेशन था, वो जो पीरियडाइजेशन था, वो काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट भी करा, बिकॉज वो उन्होंने इस तरह से बनाया कि शुरू शुरू में हिंदू लोग जो है वो ज़्यादा राज करते थे इंडिया पे, पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद मुस्लिम्स का, जब मुगल्स वगैरह आए तो मुस्लिम्स का ज़्यादा राज था, और उसके बाद में आके ब्रिटिशर्स ने अपना राज जमा लिया, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी, मतलब काफ़ी लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी करा, ठीक है। बट इस वे में ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, लगता है आपको? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम उसको डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो अटेम्प्ट है उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं आएंगे, मतलब काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग आ गए इसमें, ठीक है। जो टर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पीरियडाइज करने के लिए, डैट वॉज द मार्केट, द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स, ये इम्पोर्टेंट बन गया, ठीक है, कि पीरियड्स के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें ना कुछ ऐसे आइडियाज़ रिफ्लेक्ट हुए हमारे पास के बारे में, जिसमें हमें पता चलता है कि इस पीरियड से नेक्स्ट पीरियड के बीच का जो चेंज है, जो सिग्निफिकेंस है, वो हमें शो होना है, हमें पता तो चलना चाहिए ना कि कैसे हुआ ये सब कुछ, राइट। तो ये जो उन्होंने बताया, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है, हिंदू ने राज किया, मुस्लिम ने राज किया, ब्रिटिशर्स ने राज किया, बट कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसे थोड़ी ना कभी भी हिंदू कभी भी, मतलब बीच का जो टाइम स्पैन था उसमें ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला कि जो भी एशियन सोसाइटीज़ है उनका लेवल ऑफ सिविलाइजेशन बहुत लो है, हम बहुत गंदी ज़िंदगी जीते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री। तो ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में आए तो हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल द कंट्री, ठीक है, मतलब हिंदू और मुस्लिम तब कंट्री में रूल किया करते थे। तो जो इन्होंने ऐसा बोला कि जो रिलीजियस टॉलरेंस थी वो तो थी ही नहीं, मतलब उन्होंने कास्ट वगैरह बना के रखी थी, बहुत सारे सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस में ये लोग, मतलब बहुत सारे अंधविश्वास पे ये लोग बिलीव करते थे, ऐसा ब्रिटिशर्स ने बोला, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को बहुत ही लो दिखाया अपनी हिस्ट्री में, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ब्रिटिश रूल गया तो इंडिया सिविलाइज हो पाया, ठीक है। ऐसा करने के लिए क्या किया उन्होंने कि यूरोप ने अपने सारे मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन, सारे लॉज, ये सब कुछ उन्होंने इंडिया में लगा दिए। इतने चालू थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में इंडिया को, एक तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में इंडिया को बहुत कम मेंशन किया, और जिसमें भी मेंशन किया उनमें उन्होंने इंडिया को बहुत ही गंदा या फिर बहुत ही लो क्वालिटी का उन्होंने बताया, ठीक है। मतलब उनकी जो हिस्ट्री थी उसमें ब्रिटिश रूल ने ये रिप्रेजेंट करा कि हम लोग, कि उन्होंने किया सारा प्रोग्रेस, उन्होंने किए सारी सिविलाइजेशन, ठीक है। बट ऐसा तो था ही नहीं, ठीक है। अगर हम बोथ केस में देखें तो अगर हम किसी भी पीरियड को कैटेगराइज करें, हिस्ट्री के किसी भी पीरियड को, हिंदू और मुस्लिम को ऐसे रेफर कर सकते हैं कि हिंदू या मुस्लिम, बट मतलब यहाँ बहुत वैरायटी ऑफ फेथ एक्जिस्ट करते हैं ना इन पीरियड्स में, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदू था तो सिर्फ हिंदू हिंदू था, ऐसे सिर्फ मुस्लिम था तो मुस्लिम ही मुस्लिम था, ऐसा तो नहीं था, राइट, ठीक है। तो इसके लिए हम ये सजेस्ट किया गया कि जो लाइफ और प्रैक्टिसेस वो लोग किया करते थे, क्या वो रियली मैटर नहीं करते, वो करते हैं, राइट। तो हमें ये करना चाहिए कि जो रूलर्स थे, मतलब हमें ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि रूलर्स जो, जितने सारे रूलर्स आए इंडिया में, उन सभी का सेम फेथ नहीं था, इसीलिए हम इस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते थे। तो जब हम आगे बढ़े ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से, तो हिस्टोरियन ने डिवाइड करा इंडिया, इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। ये डिवीजन सबसे ज़्यादा सुटेबल था, बट इसमें भी प्रॉब्लम थी, क्या कि इस ये जो पीरियडाइजेशन था इसमें भी हमने कुछ वेस्ट का, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका कुछ बोरो करा हुआ था, कुछ एसेंस। उसमें क्या था कि जो मॉडर्न पीरियड है उसमें आएगा साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, और मेडिवियल जो टाइम था डैट वॉज यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड द फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब ये उस टाइप का था जब मॉडर्न हिस्ट्री का तो कुछ अता पता ही नहीं था, तो ये एक्सेप्ट तो कर लिया गया, बट कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स हमें भी देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम ये बुक पढ़े, जो बुक हमें भी पढ़ रहे हैं, डैट इज़ द मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसमें ब्रिटिश रूल है पीपल का, वो मतलब उसमें इक्वालिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है, और
मतलब कोई एक ऐसा पीरियड नहीं था इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस का। तो इस टाइम को काफ़ी हिस्टोरियंस ने एज कलोनियल भी बोला। ठीक है, तो कलोनियल क्या होता है? तो इस बुक में हम पढ़ने वाले हैं जब ब्रिटिश आए और उन्होंने हमारी हमारी कंट्री को कॉन्क्यूर करा और अपना रूल थाप दिया हमारे ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऐसे टाइम पे क्या किया गया कि जो कंट्री की जो इकोनॉमी है, सोसाइटी है, मतलब और जो भी मतलब रेवेन्यू वगैरह है, वो सारा वो लेते थे अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। ठीक है, जो भी गुड्स थे वो मतलब बॉट द गुड्स दे वॉन्टेड एट लो प्राइस, प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट। उन्होंने सब कुछ अपने ही अपने लिए ही करवाया। दे वर वेरी मतलब सेल्फिश। ठीक है, उन्होंने सब कुछ अपने लिए किया, हमारा लोग हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्रिटिश रूल आया तो काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले, चाहे वैल्यूज़ हो, टेस्ट हो, कस्टम हो, प्रैक्टिसेस हो, हर चीज़ में हमें चेंज देखने को मिला। ठीक है, जब जब ऐसा कुछ हो, मतलब एक ऐसा मतलब सब्जुगेशन ऑफ द कंट्री जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस हमें देखने को मिले, तो इसको हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन। ठीक है, हाउएवर विल फाइंड दैट मतलब इसमें भी हमें ये पता चलेगा कि हर एक ग्रुप मतलब हर एक ग्रुप में चेंजेस सेम तरीके से नहीं होता है। ठीक है, सपोज पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, सोशल और कल्चरल है। ठीक है, सोशल और सोसाइटी और कल्चर है। तो मान लो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के इन्वेजन के बाद सबसे पहले जो चेंज हमें देखने को मिला वो मिला पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में। ठीक है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में सपोज हमें अराउंड अराउंड 2 to 3 years हमें बहुत चेंजेस देखने को मिल गए, बट कल्चर में हमें ये चीज़ नहीं देखने को मिला। कल्चर में हमें लगा कि हाँ मतलब इतनी जल्दी नहीं हमारा कल्चर मिटा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी कोई नया चीज़ आती है उससे हर एक चीज़ में, हर एक क्लास या हर एक ग्रुप में इक्वली चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आता है हाउ, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता, हाउ डू वी नो। ठीक है, तो जो चीज़ें हिस्टोरियंस लिखते हैं करीब 250-300 साल पहले की, वो हमें कैसे पता चली। ठीक है, सो ये इनका भी जो देन है वो ब्रिटिशर्स की ही देन है कि ब्रिटिशर्स किया करते थे कि वो लिख लिया करते थे चीज़ें। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ये है कि ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल्स थे उनका उनका जो रिकॉर्ड्स था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे कि लिखना चाहिए, लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, हर एक चीज़ को क्लियरली लिखा जाए ताकि फ्यूचर में मतलब उसे पढ़ सके, चाहे आदमी कितने सालों के बाद भी आए वो मिले। तो ब्रिटिशर क्या करता था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सॉरी, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, लेटर्स को, जो भी उन्हें चाहिए थे, उनको क्लियर उनको केयरफुली प्रिजर्व करके रख देते थे। ठीक है, हर एक चीज़ को वो जो है तहसीलदार के ऑफिस में जमा करके रख देते थे ताकि जब भी जो भी है उसको वो हमेशा मिल जाए। जो भी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे जैसे आर्चिव, म्यूजियम, उन सभी को बहुत ही मतलब उनको एस्टेब्लिश किया गया था और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड वहाँ पे रखे जाते थे। दे बस वो स्पेशली बनाए इसके लिए ये ताकि वहाँ पे इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को रखा जाए। ठीक है, तो जब अर्ली 19th सेंचुरी का टाइम था तब ये डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही केयरफुली कॉपी किया गया और बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे ना इनको बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया। कैलीग्राफिस्ट होती है, कैलीग्राफी आप लोगों को पता होगा, जब हम बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल में या बहुत ही सुंदर तरीके से किसी चीज़ को लिखते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कैलीग्राफी। ठीक है, हेयर इट इज रिटन दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, बहुत ही सुंदर तरीके से जो लिखते हैं दैट इज कैलीग्राफी। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के मिडल मिडल पे प्रिंटिंग का काफ़ी स्प्रेड मिला, मतलब इसलिए बहुत सारी कॉपीज हो जाती थी इन रिकॉर्ड की, एंड वो प्रिंटेड एंड प्रोसीडिंग एज ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हर एक कॉपी होगी किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की। ठीक है, फिर आते हैं सर्वे, सर्वे इज इम्पोर्टेंट हो गए। जो ये सर्वे का जो सिस्टम है, सर्वे, व्हाट इज सर्वे, सर्वे का जो सिस्टम है वो भी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ही मतलब बहुत कॉमन हो गया। तो सर्वे इज आप जगह जगह जाके पता करते हो, चीज़ें करते हो, आप स्टडी करते हो बेसिकली। ठीक है, तो अर्ली 19th सेंचुरी में जो डिटेल सर्वे थी वो करी गई है, मतलब पूरा एंटायर कंट्री के मैप में सब हर जगह की गई, इन द विलेजेस,
रेवेन्यू सर्वे, रेवेन्यू कैसे होता है उसका सर्वे किया गया, ठीक है। टोपोग्राफी की गई, सोइल क्वालिटी चेक किया गया, फ्लोरा चेक किया गया, फोना चेक किया गया, लोकल हिस्ट्रीज चेक की गई, क्रॉपिंग पैटर्न का भी सर्वे लिया गया। हर एक फैक्ट को उन्होंने नहीं, मतलब हर एक फैक्ट उन्होंने देख लिया जो कि रीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 19th सेंचुरी के एंड सेंसिस ऑपरेशन होने लग गए हर 10 सालों में, ठीक है। सो दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। हर एक फील्ड में हम देखेंगे कि अगर मतलब सेंसस होता है कि कंट्री में कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का सर्वे होता है हर 10 सालों में, ठीक है। कि ठीक है, इस साल हमने देखा कि जस्ट एन एग्जाम्पल, हर साल हमने देखा कि कंट्री में 100 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं मान लो, ठीक है। सो ये सर्वे है, ये एक किसी पर्टिकुलर एरिया का, सपोज 2020 में आपने देखा कि हाँ ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है, बॉयज़ 150 हो गए हैं, लड़कियाँ 225 हो गई है, ऐसे ऐसे ये सब कुछ। दिस इज़ कॉल्ड सेंसस, ठीक है। हर एक इन्फॉर्मेशन चेक किया जाता था, इसमें कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, हर एक चीज़ इधर देख लिया जाता था, ठीक है। उसके अलावा बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वेज, ठीक है, ये सारी सर्वेज ये लोग करते थे। अब ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे ना, ये कुछ चीज़ें हमें नहीं बताती थी, क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, इनमें सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड की जाती थी जो उनके ऑफिशियल्स के साथ होती थी, ठीक है। जो नॉर्मल पीपल है, जो मतलब जो रेजिडेंट्स है, उनका तो कहीं कुछ बहुत ही कम जगह पे ये चीज़ मेंशन करी गई होगी, ठीक है। बिकॉज दे वो ऑफिशियल्स, तो क्योंकि वो मतलब देखो, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, तो उसमें जो भी ऑफिशियल थे उस पर्टिकुलर एरिया के, तो उन्हीं ऑफिशियल्स का जो है उसमें डेटा या फिर पर्टिकुलर चीज़ होगी, ठीक है। जो नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल पीपल का तो वहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं होगा, नॉट कुछ भी नहीं मेंशन किया गया होगा उधर। बहुत ही कम चीज़ें मेंशन करी गई होगी ना उसमें, मैक्सिमम चीज़ें वही होगी जिनमें वो लोग इंटरेस्टेड थे, इसलिए काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिनमें मतलब लोकल लोगों के बारे में हमें नहीं पता था। तो उसके लिए हमें और रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जिसमें हमें पता चले, और इनको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो मिल जाते हैं बट ऐसे नॉर्मल लोगों के नहीं मिलते। तो हमें जो मिली है, डेट वर डायरीज ऑफ द पीपल, जो लोग डायरीज लिखते थे, कुछ पिलग्रिम्स के अकाउंट्स और ट्रैवलर्स की ऑटोबायोग्राफी, ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें मिली, और जो भी पॉपुलर बुकलेट्स जो लोकल बाज़ारों में बिकती थी उनसे हमें थोड़ा पता चलता है, ठीक है। लीडर ऑफ फार्मर्स जो थे वो आइडिया स्प्रेड किया करते थे, पोइट्स, नॉवेलिस्ट हुआ करते थे, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया करते थे, ठीक है। तो दीज वर द थिंग्स जिसकी वजह से हमें पता चला कि लोकल पीपल कैसे रहते हैं, ठीक है। सो यस, दैट इज़ इट फॉर द चैप्टर, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट चैप्टर, और ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन ही था ये। सो जो नेक्स्ट चैप्टर्स है उसमें हम ब्रीफली मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। सो यस, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।